अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्र टोला, दरभंगा। बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई नहीं चल सकी। मंत्री मदन सहनी और लेफ्ट के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक के बाद सदन में लगातार हंगामा होता रहा। एक बार फिर बिहार विधानसभा की बैठक के शुरू होने से पहले वाम दलों के विधायकों ने विधानसभा सदन के बाहर हंगामा किया। प्रदर्शन कर रहे विधायक लगातार मंत्री मदन सहनी से सदन में माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। मीडिया कर्मियों पर हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मीडिया कर्मियों पर हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मंत्रियों द्वारा विपक्ष के विधायकों का अपमान क्यों? मुख्यमंत्री जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मीडिया कर्मियों पर हमला क्यों? नीतीश कुमार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। मीडिया कर्मियों पर हमला क्यों? नीतीश कुमार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। विपक्षी दलों के नेताओं की अवमानना नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। विपक्षी दलों के माननीय नेताओं की अवमानना नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। गरीबों के मुद्दों को मजाक उड़ाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों के मुद्दों को मजाक उड़ाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मंत्री अपमानित करना बंद करो, बंद करो। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपराध और अफसरशाही के मामले को लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार के अफसर विधानसभा के परिसर में ही विधायक महबूब आलम के साथ बदसलूकी करते हैं। वही अपराधी इतने बेलगाम हैं कि छापेमारी करने गई पुलिस के एक दरोगा का ही अपराधियों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। वही तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती। अगर उनके साथ धक्का मुक्की की गई, उसकी हम लोग निंदा करते हैं और हमने सदन के अंदर भी माननीय अध्यक्ष महोदय से ये मांग की है कि उस अधिकारी पर फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। और ये प्रिविलेज का भी मामला आता है। अगर बात की जाए तो ये पहली बार घटना नहीं है। ये तो विधानसभा जो लोकतंत्र की मंदिर है वहाँ पत्रकारों को साथ मारा पीटी की जाती है, जनप्रतिनिधियों के साथ धक्का मुक्की की जाती है। ऐसा हम लोगों ने आज तक नहीं सुना ना देखा जो इस सत्र में हो रहा है। इसकी कितनी भी निंदा करें वो कम है। और हम लोग ये उम्मीद लगा कर के बैठे हैं कि सदन में जब हम लोगों ने बात रखा है अध्यक्ष महोदय के समक्ष, क्योंकि ये कैंपस में अध्यक्ष महोदय ही हम लोगों को संरक्षण दे सकते हैं। हम लोग ये पहले से भी कहते रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान अधिकारी जो हैं वो नहीं करते। अब आप बताइए जो थानेदार हैं विधानसभा में कैंपस के अंदर, अगर वो विधायक एक दल के जो नेता हैं उनके साथ धक्का मुक्की करेंगे तो उनसे जो बड़ी अधिकारी हैं उनका मन कितना बड़ा हुआ हो सकता है वो आप समझ सकते हैं। राजधानी के आईएमए हाल में लोक जनशक्ति पार्टी ने अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया है। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ विगत विधानसभा चुनाव की चर्चा की, साथ ही आगामी पंचायत चुनाव में किस तरह से तैयारी हो इस पर भी चर्चा की गई। समय जो राजनीति है वो एकदम कमर्शलाइज हो गई है, लेकिन लोक शक्ति का मांगना है कि अगर हम जब तक ग्रास रूट लेवल पर काम नहीं करेंगे, पंचायती राज व्यवस्था को हम लोग सुदृढ़ नहीं बनाएंगे, तब तक लोअर लेवल पर कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। इसलिए हमारा टारगेट जो नेक्स्ट कमिंग इलेक्शंस हैं पंचायती राज के, पंचायत लेवल के जो इलेक्शन हैं, जिला परिषद के जो इलेक्शन हैं, उसको टारगेट करने का है। इस बार उतरेंगे आपकी पार्टी उतरेगी? जी हाँ, इस बार हमारा पूरा प्लान है कि हम लोग कमिंग इलेक्शन जो है पंचायती राज के, पंचायत जिला परिषद के, उसमें अपने उम्मीदवार उतारने वाले हैं।
फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह अपने नए फिल्म बाजी के प्रमोशन के लिए पटना पहुंची। अक्षरा सिंह ने फिल्म की जमकर तारीफ की और फिल्म में अपने कैरेक्टर के बारे में भी बताया। वहीं फिल्म कलाकार राकेश मिश्रा ने कहा कि फिल्म सबसे यूनिक है और फिल्म के फर्स्ट लुक से ही तारीफ मिल रही है। वहीं अक्षरा सिंह और राकेश मिश्रा ने फिल्म का गाना भी गुनगुनाया। पहली बार हम और राकेश जी स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। हमने गाना करना शुरू किया है बट पहली बार एक फिल्म में नजर आएंगे। बहुत ही कमाल की एक स्टोरी है, बहुत ही खूबसूरत कहानी है जिसको हम लोग साथ मिलकर निभाएंगे। और साथ ही कमलेश जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, राघवेंद्र जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, मदरवी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, राकेश जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट करने के लिए हम सब एक साथ सम्मिलित रूप से आज आपके समक्ष। बाजी वो आपको देखने को मिलेगा जो अभी तक आप उम्मीद नहीं किया, क्योंकि अभी तक तो एक सिस्टमेटिक चलता है ना स्टोरी। हाँ ठीक है, लोगों को लग जाता है, समझ में आ जाता है। अब आप सोचिए कि फर्स्ट टाइम अगर हम ऑन स्क्रीन आ रहे हैं, जैसे आज एल्बम स्क्रीन पे सुबह हम लोग खाली थोड़ा सा एक चर्चा लेके आए हैं कि केहू का करी हो, तो इतना ट्रेलर है वो गर्म हो गया पूरा, केहू का करी हो। उसमें भी लिखा हुआ चैलेंजिंग होली, मैंने होलियो में चैलेंज, समझिए कि तेवर जब इस लेवल का हो तो बाजी में क्या होगा।